हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानुकूटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर्स इन बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था प्रोग्राम्ड आईओ ट्रांसफर, और प्रोग्राम्ड आईओ में प्रॉब्लम ये थी कि सीपीयू उसमें कंटिन्यूसली आईओ डिवाइसेस के लिए वेट करते रहता था पोलिंग मेथड के थ्रू। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ आया। जो भी प्रॉब्लम प्रोग्राम्ड आईओ में थी CPU वेटिंग की, उस प्रॉब्लम को इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सो बेसिकली अब इंटरप्ट है क्या, ठीक है? इंटरप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन इंटरप्ट इज अ हाई प्रायोरिटी सिग्नल व्हिच इज जनरेटेड बाय आइदर एन एक्सटर्नल डिवाइस और सम सॉफ्टवेयर, और वी कैन से एन इंटरप्ट इज अ हाई प्रायोरिटी और एक्सटर्नल सिग्नल व्हिच इज जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू गेट द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द CPU। प्रोग्राम आईओ में हो ये रहा था कि अगर सीपीयू सेंड करता आईओ डिवाइसेस को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए सिग्नल भेजता डिवाइस को, और सीपीयू कंटिन्यूसली डिवाइस के लिए वेट करता रहता था कि जब वो रेडी होगा तब वो डेटा ट्रांसफर से परफॉर्म करेगा, और सीपीयू उस समय आइडियली बैठा रहता था, कोई भी काम नहीं करता रहता था वेटिंग के अलावा। तो इस वेटिंग पीरियड को रिमूव करने के लिए इंटरप्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सीपीयू ये इन्फॉर्म कर दे आईओ डिवाइसेस को कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, उसके बाद अपना काम करने लग जाए, और डिवाइस जैसे ही रेडी होंगे उन्हें वो एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करेंगे कि आई एम रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, देन सीपीयू वापस डेटा ट्रांसफर कर सकता है डिवाइस के पास आके। तो ये है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। तो इसे समझने के लिए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जब भी सीपीयू रेडी होता है सीपीयू सेंड्स अ रीड रिक्वेस्ट टू डिवाइस, देन ये रीड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद सीपीयू अपना दूसरा काम करने लगता है, सीपीयू डज अदर स्टफ्स। इस बीच डिवाइस क्या करेगा, डिवाइस बिजी होगा, और बिजी होने के बाद जैसे ही वो फ्री होता है वो सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल सेंड करेगा या आई एम रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर, और ये सिग्नल मिलने के बाद सीपीयू जो भी पहले काम कर रहा था उसे बीच में रोक के आईओ डिवाइस से डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करेगा। बाकी जो प्रोसेस है प्रोग्राम लाइवो के जैसा ही है, सीपीयू रीड्स द वर्ड फ्रॉम द डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसे डेटा ट्रांसफर करना था, मीन्स रीड अगर करना है तो रीड करेगा वर्ड को डिवाइस से, देन रीड करके सीपीयू राइट कर लेगा उस वर्ड को मेन मेमोरी में, देन अगर ये परफॉर्म हो गया डेटा ट्रांसफर देन येस, देन सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। अगर डेटा ट्रांसफर रिमेनिंग है रीड करना, कुछ भी डेटा बचा हुआ रीड करने के लिए, देन नो वापस उस वर्ड को रीड करेगा डिवाइस से, देन ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो फिलहाल ये जो एग्जांपल लिया है हमने, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ लिया है फॉर इनपुट डेटा ट्रांसफर। नाउ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ? यहाँ पे इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सीपीयू, जो कि प्रोग्राम आईओ में हो रहा था, सीपीयू कंटिन्यूस आईओ डिवाइसेस को मॉनिटर कर रहा था, ठीक है, उनका वेट कर रहा था कि कब वो फ्री होंगे तो वो उनके साथ डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करें। तो ये जो था इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सीपीयू, इंटरफेस को हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर देंगे। वी नो कि हर आईओ डिवाइस का अपना एक इंटरफेस होता है, सीपीयू डायरेक्टली आईओ डिवाइस से इंटरेक्ट नहीं करते, इनके बीच में एक इंटरफेस होता है। आईओ इंटरफेस का एक अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप चाहें तो उसे रेफर कर सकते हैं। सो सीपीयू जब भी इंटरेक्ट करता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, आईओ इंटरफेस के साथ। तो सीपीयू आईओ इंटरफेस को एक सिग्नल भेज देगा कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, ये भेजने के बाद सीपीयू अपना दूसरा काम करने लगेगा, ओके? और आईओ इंटरफेस इसे मॉनिटर करता रहेगा आईओ डिवाइस को, कि जैसे आईओ डिवाइस फ्री होता है इंटरफेस क्या करेगा, सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा इंटरप्ट सिग्नल भेज के कि आईओ डिवाइस अब रेडी हो गया डेटा ट्रांसफर के लिए, नाउ सीपीयू जो भी काम पहले कर रहा था उसे छोड़ के अब आईओ के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो दिस इज व्हाट इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सीपीयू, इंटरफेस क्या करेगा, इंटरफेस विल बी इन्फॉर्म, सीपीयू इसे इन्फॉर्म कर देगा टू इशू एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल, ये इसे बोल देगा जैसे ही आईओ डिवाइस फ्री होगा इंटरफेस तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, देन सीपीयू अपना काम करने लग जाएगा, ओके? तो जब भी डेटा अवेलेबल होगा डिवाइस में इंटरफेस उसे इन्फॉर्म कर देगा। नाउ मीनवाइल सीपीयू प्रोसीड्स टू एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम्स, सीपीयू अपना अनदर प्रोग्राम करता रहेगा। तो ये यहाँ हो रहा है, सीपीयू सेंड करेगा रीड रिक्वेस्ट टू डिवाइस, रीड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो अपना काम करने लग जाएगा, सीपीयू डज अदर स्टफ, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरफेस का रोल आता है, इंटरफेस मॉनिटर करता रहेगा डिवाइस को,
ओके, इंटरफेस मॉनिटर करता रहेगा डिवाइस को, जैसे ही आईओ डिवाइस फ्री होता है देन वो उसे इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा सीपीयू को। तो जैसे इंटरफेस से मिलता है इंटरप्ट सिग्नल बैक में, तो सीपीयू रिसीव्स द इंटरप्ट कहाँ से, फ्रॉम द डिवाइस। सो इस तरीके से जब भी डिवाइस रेडी होता है डेटा ट्रांसफर के लिए तो वो क्या जनरेट करता है, इट जनरेट्स द इंटरप्ट सिग्नल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेनेवर द डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर इट जनरेट्स द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जैसे इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू के पास पहुंचती है, रिसीव होती है, सीपीयू अपना जो भी काम कर रहा होता है उसे बीच में रोक के आईओ डिवाइस के साथ डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करता है। सो अपॉन डिटेक्टिंग द एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू स्टॉप्स द टास्क इट इज परफॉर्मिंग। सीपीयू जो भी टास्क कर रहा होगा उसे स्टॉप करेगा और उसके बाद प्रोसेस करेगा आईओ डेटा ट्रांसफर को। आईओ डेटा ट्रांसफर हो जाने के बाद वापस ओरिजिनल जो वो टास्क कर रहा था उसमें वापस आ जाएगा और परफॉर्म करने लगेगा। दिस इज इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। तो इसका एडवांटेज क्या है? सो यूजिंग इंटरप्ट्स द वेट पीरियड जो कि प्रोग्रामड आईओ में हो रहा था, द वेट पीरियड ऑफ सीपीयू इज आइडियली रिमूव्ड या आइडियली इलिमिनेटेड। दिस इज इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मोड ऑफ ट्रांसफर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।